अरे भाई सीवियो पहुंच गए हम लोग। यह है कराची का छोटा सीवियो और इसको कहा जाता है, कराची का छोटा सीवियो कहा जाता है। और इस पर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको मुझे दिखाएंगे आपको क्या सीन है यहाँ का। सर भी अभी अंधेरा होने वाला है, काफ़ी देर से हम लोग आए थे, कभी एक्सप्लोर करते आपको बता दें क्या सीन है यहाँ का। शूटिंग प्रिपरेशन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साजिद खान। सो दोस्तों आज मैं पहुँच चुका हूँ कराची के एक ऐसी हाइडन प्लेस पर जिसको छोटा सीवियो कहा जाता है। और एक बड़ी चाहत हुई जब से इसकी वीडियो मैंने देखी कि छोटा सीवियो असल है क्या चीज़, असल में है क्या, जिसके लिए हमने 1 घंटा ड्राइव किया। और 1 घंटा ड्राइव के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए और बड़ी मुश्किल से पहुँचे भाई, क्योंकि ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक थी। तो शाम में इस पर पहुँचे हम लोग और शाम के इस वक्त 6 बज रहे हैं। बड़ा बड़ी खूबसूरत मौसम हो रहा है कराची का वैसे ऑलरेडी। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमें लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ नहा रहे हैं, कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये चेक करें, ये है छोटा सीवियो। और हाँ ये देखिए लोग यहाँ पर इंजॉय करने आए हुए। यहाँ की खास बात यह है कि लोग यहाँ एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन जो हमारा अपना रियल सी व्यू है ना, जिसको हम रियल सी व्यू बोलते हैं, अपना सी व्यू साइड जो क्लिफन वाला है, वहाँ की तरह वाइब्स नहीं आ रही। क्योंकि एक तो ये है थोड़ा सुनसान जगह पर, और मैं फैमिली के साथ आपको प्रेफर नहीं करूँगा फैमिली के साथ यहाँ आए, क्योंकि बहुत आउट जगह है। दोस्तों के साथ आते, लॉन्डो के साथ, लॉन्डो के साथ जरूर आए, जिस तरह मेरे साथ लॉन्डा आया हुआ है ना, ये लॉन्डा, तो लॉन्डो के साथ जरूर आए। और अभी हम लोग आगे जाते हैं बीच पे, ये असल में बीच है क्या, इसकी तो इतनी तारीफें हो रही है कि लोग कहते हैं छोटा सी व्यू छोटा सी व्यू। और मैंने कहा खुद पर्सनली जाके दिखाऊं आप लोगों की क्या सीन है वहाँ का। तो अभी आगे आगे चल रहे हैं, अभी अभी दिखाता हूँ मैं कि सीन क्या है यहाँ का। ये अभी फिशिंग पॉइंट इसको कह सकते हैं आप लोग, जिसको फिशिंग करने का शौकीन है कोई लोग, और मछलियाँ पकड़नी है। तो ये क्या है छोटे छोटे यार नज़र आ रहे हैं मुझे, काले काले, अरे सीपियाँ हैं छोटी छोटी। हाँ ये है सीपियाँ छोटी छोटी लग रही है मेरे, काले काले नज़र आ रहे हैं। और ये पानी यार रुका हुआ है, समंदर टाइप का पानी तो है, ये समंदर ही है थोड़ा। सामने जजीरा नज़र आ रहा है छोटा सा मुझे। और बोटिंग सर्विस इस वक्त नहीं है, क्योंकि शाम हो गई है, बोटिंग बंद हो गई है। सामने बोटिंग नज़र आ रही है। जहीर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा सी यू है, बड़ी ख्वाहिश है तुम्हारी जाने की, आने की, मेरी मेरी ख्वाहिश। आने की तुम्हारी। हाँ अच्छा बना, देखो जिंदगी में ना हर जगह देखनी चाहिए। हेलो, क्योंकि तुमसे पूछे छोटा सी तुमने देखा है, तुम जरूर कहोगे हाँ देखा है। साजिद के तौर तुमने देख लिया, अच्छा, साजिद की वजह से मैंने साजिद की देखा, वजह से तुमने देख साजिद का लिया। लोकल गाइड कौन था? सो ये है अपना व्यू। अच्छा इस तरफ मैं देख रहा हूँ कुछ फैमिलीज आई हुई है, क्योंकि मैंने वीडियो में भी बताया पिछले की वीडियो, फैमिली के साथ आना अलाउड है, वैसा ही नहीं है। बाकी ये मुझे लग रहा है यहाँ के लोकल है, क्योंकि लोकल होंगे तो करीब से आए होंगे। अगर आप स्पेशली यहाँ पिकनिक पॉइंट के लिए आना चाहते हैं स्पेशली, तो बहुत दूर पड़ेगा आपको, क्योंकि काफ़ी बहुत दूर है। तो इससे ये है कि इस वजह से मैंने बताया कि यहाँ आना सही नहीं है, लोडो के साथ आ सकते बाइक होगा, बताइए पहुँच जाओ, इसी वजह से मैंने ये बताया। ये तो ये है सीन हट, और सारे पैसे शायद इसी के वसूल कर रहे हैं। हट भी आके बैठे भाई, ये देखिए भाई बारिश का पानी आएगा तो नीचे ही आएगा भाई जहीर, ये देखिए हट। और यहाँ आके आप इंजॉय कर सकते हैं, बारबेक्यू का सीन कर सकते हैं, यहाँ का वीआईपी सीन होगा। क्योंकि अगर बारबेक्यू का सीन हो ना, तो हवा बड़ी वीआईपी चल रही है, बैठने की जगह वीआईपी है, और दोस्तों के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं आप लोग। जहीर आप क्या कहते हो, यहाँ पे लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? वीआईपी जगह है ना, बड़ी खूबसूरत जगह है यार, ना वीआईपी हो जाएगा। ये देखिए हट बड़े वीआईपी बने हुए, ये है यहाँ के प्राचीन छोटे सी चीज़। यहाँ पर मुझे ये लगी बड़ा अच्छा चीज़, बड़ी अच्छे बोलेंगे, खास नहीं बोलेंगे, अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे ये लगी कि भाई यहाँ बैठने का सेटअप बड़ा वीआईपी है, आप यहाँ के एंजॉय कर सकते हैं। और ख़ास बात यहाँ क्या है, बारबेक्यू का सीन आप वीआईपी कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के, यार वीआईपी सीन है, बड़ा वीआईपी सेटअप बना हुआ है, हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, कराची का मौसम भी वैसे वीआईपी है। और फैमिली का मैंने बताया कि नहीं आ सकते, तो फैमिली का आ सकते हैं भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं आ सकते आप, अगर दूर से आते तो दिन के टाइम आए। यहाँ पर पानी, जो पानी का जो सीन है ना, वो आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ चले पानी वहाँ तक पहुँच गया, देखो शाम के टाइम इसका सीन होता है, ये देखो यहाँ नीचे देखा है, यहाँ दोपहर के टाइम 12 बजे तक यहाँ से यहाँ तक पानी आता है, यहाँ लोग बैठ के इंजॉय करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ लोग बैठ के इंजॉय करते हैं, इसके ऊपर बैठ के पानी इनके पाँव से टकरा रहा होता है। तो अभी हम शाम के टाइम आए, 6-7 बज रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं, तो पानी इस वजह से नीचे तक चला गया, रात के टाइम पानी और पीछे की तरफ जाएगा ये। तो यहाँ इंजॉय करने आप लोग आ सकते हैं, मेरा लौंडा को लौंडो का ये मजबूर है, लौंडे यहाँ पहुँचे, लौंडे यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। बाकी फैमिली भी आती है शायद कल 14 अगस्त से, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़बरदस्त रश होगा, वीआईपी रश होगा, आगे मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा। और ये है कि यहाँ का बेस्ट टाइम जो है 3 से 4 बजे का टाइम, आप आ जाए तो वीआईपी सीट से सीधा पड़ा चलेगा। और बाकी अभी
इस वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पर। काफ़ी दूर, बहुत दूर से हम लोग आए हुए, क्योंकि वापस भी हमने जाना भी है। 1 घंटे की ड्राइव की हमने, 1.5 घंटे की, सॉरी 1.5 घंटे की ड्राइव की है, 1.5 घंटे हमने वहाँ भी जाना है इस वीडियो के लिए, आप लोगों के लिए, ताकि मैं इसका रिव्यू दे सकूँ, छोटा सी व्यू कैसा है। तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, नुची ना करें भाई। फेसबुक पर देख रहे, फेसबुक पर फॉलो करें, और टिकटॉक पर मुझे फॉलो करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।